और कुछ पिछले कुछ दो हफ्तों से लगभग हमने इस बाइबल अध्ययन को ऑनलाइन माध्यम से आपके समक्ष नहीं रखा। और इस बुधवार से इसे वापस शुरू करने में मैं बहुत आनंदित हूँ और आप में से वे जो हर हफ्ते इन बाइबल अध्ययनों से जुड़ते हैं आपने इन पिछले दो हफ्तों में इसको आप इसका भाग नहीं बन पाए हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से इन्हें आपके नहीं रख अगर आप सबको याद हो तो पहला उसके 10वें अध्याय की ओर हम अपने अध्ययन को रखे हुए हैं। Our last lesson was the end of chapter 9. और हमारा जो अंतिम अध्ययन था या पिछला अध्ययन था वो था पहला उसका अध्याय और अंतिम उसका अंतिम so और इसलिए आज की शाम हम पहला उसके दसवें अध्याय के अध्ययन को शुरू करेंगे। और ये जो दसवा है, इसमें प्रकार की चेतावनियों से ये भरा हुआ है एंड इंट्रोडक्शन इंटेलिजेंस इज डेंजरस टू एनीवन। और याद रखिए किसी भी प्रकार से आप अगर भोग विलास में पढ़ते हैं तो ये किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है स्पेशली टू बिलीवर्स हु और खास रीति से उन विश्वासियों के लिए जो वर्तमान से परे भविष्य के विषय में नहीं सोचते

इन बातों में फंस जाते हैं और 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 ये ये इनका रिश्ता 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 जो परमेश्वर के के है 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 उस पर प्रभाव प्रभाव लाता है। uh, और दूसरे बहनों उसमें एक प्रभाव डालता है। and, uh, it is, it is और ये किसी भी रीति से अच्छा नहीं है द द गिवन इज टेकन फ्रॉम टाइम ऑफ ओल्ड और जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है उसे निर्गमन की पुस्तक जो पुराने नियम में पाई जाती है वहाँ से लिया गया इग्नोरेंस कैन कॉज आवर डिस्ट्रक्शन और याद रखिए अगर हम जो अनजान बने रहते हैं ये हमारे विनाश को ला सकता है सो पॉल बिगिंस दिस चैप्टर विद हिज कंसर्न व्हेन ही सेड ओपन द चैप्टर आई डू नॉट वांट यू टू बी इग्नोरेंट और इसीलिए पॉलुस इस अध्याय की शुरुआत एक चिंता और चेतावनी के साथ करता है जैसे वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान बने रहो इग्नोरेंस ऑफ वॉट बातों के विषय में अनजान इग्नोरेंट ऑफ लेसन एंड वार्निंग गिवन टू अस बाई दिस्टोरी और वो शिक्षाएं और वो चेतावनियाँ जो हमें पुराने नियम से प्राप्त हुई हैं उनके प्रति हम अनजान ना है ये घटनाएं इसलिए लिखी गई हैं ताकि हमारे लिए एक चेतावनी Warning to टू अस लेस्ट वी बी डिस्ट्रॉयड those people पीपल इन Exodus history. वरना हम भी उन लोगों के समान निर्गमन के इतिहास में जैसे हम देखते हैं उनका विनाश हो गया हमारा भी विनाश हो जाएगा टू ऑफ दफरिंग आर नंबर वन सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी और दो बड़े कारण कठिनाइयों के या चुनौतियों को सामना करने के वो ये है पहला एक गलत प्रकार का भावना अपनी सुरक्षा के विषय में नंबर टू और दूसरी बात ओवर कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना या ज्यादा ही आव रखना ग्रेट डॉक्ट्रि ऑफ द बाइबल इज सिक्योरिटी ऑफ द बिलीवर्स और एक बड़ा सिद्धांत जो बाइबल का है या पवित्र शास्त्र का है वो है विश्वासियों की सुरक्षा ट्रेटरी इज देर आर ग्रेट मेनी पीपुल चर्च और दुर्भाग्य तो यह है कि कई सारे ऐसे लोग कलिसियाओं में पाए जाते हैं who were taught this doctrine ये सिद्धांत सिखाया गया है विदिक्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डॉक्ट्रिन एंड इट्स वॉर्निंग इसके बिना की इस सिद्धांत के लिए अगर वो ना चले इसके अनुसार तो इसके प्रति जो चेतावनी है जो खतरा है उसको समझे बिना रिजल्ट और इसका परिणाम परिणाम ये है टू मेनी प्रोफेसर कई सारे शिक्षक तो मौजूद है लेकिन बहुत कम उसको करने वाले हैं you know, और याद रखिए, ये कहना अपने मुख से कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ बड़ा आसान है बट हाउ मेनी ऑफ फर्स प्रैक्टिस वी प्रोफेस लेकिन हमें हम से कितने उन बातों का अभ्यास करते हैं जिन बातों को हम बोलते है इफ यू कॉल यूर सेल्फ अन अगर आप अपने आप को एक मसीह बुलाते हैं कौन सी बातें आपको मसीह बनाती है दैट टाइटल विल नॉट हेल्प यू टू बी अ ट्रू क्रिस्टियन और याद रखिये ये उपाधि आपकी सहायता नहीं करेगी की आपसे मसीह दिस काइंड ऑफ पीपुल थिंक दे आर क्रिस्टियन एंड फॉलोअर्स ऑफ़ ऑफ़ और इस प्रकार के लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मसीह है या प्रभु यीशु मसीह के अनुयाई हैं बट देयर लाइफ्स डू नॉट मैच देयर प्रोफेशन लेकिन उनका जीवन उनकी बातों के संग मेल नहीं खाता नाउ दिस गिव्स द चर्च अ सेंस Of a false security. और ये बातें कलीसिया को एक झूठी सुरक्षा का विश्वास दिलाती हैं एंड ओवर कॉन्फिडेंस दैट दे आर एंटाइटल्ड फॉर ऑल द प्रोमसेस और एक अति आत्मविश्वास कि वो उन सारे वादों के भागी बनेंगे दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस और ये अति आत्मविश्वास है सिंपली यू आर प्रोफेसिंग आप बड़ी साधारण रीति से बातों को मुंह से तो बोल रहे हैं जो आपको झूठी सुरक्षा देती है अपने जीवनों में गुड एक्साम्पल इज दर इंडियन चर्च इी इसका अच्छा उदाहरण है और एक व्यक्ति हो सकता है ये बोले या सोचे कि वो बचा हुआ है या बचा लिया गया है पर ही कैन बी रॉन्ग लेकिन वो गलत हो सकता है Thinking and saying will not make a person safe and secure in Christ. और याद रखिए सोचना या बोलना किसी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित नहीं रखेगा. Now, very often, I ask somebody, "Are you saved?" और कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूँ क्या तुम बचाए गए हो एंड आंसर कम्स आई थिंक सो और उत्तर आता है मुझे ऐसा लगता है न no, but... नी कॉन्फिडेंस confide और ये उत्तर में हम देखते हैं की कोई आत्मविश्वास नहीं है इसका sure. मतलब है आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं है यू थिंक यू आर आपको लगता है की आप है बट दैट थिंकिंग विल नॉट मेक यू जेन्युवाइन क्रिस्टियन लेकिन ये सोच आपको एक सच्चा मसीही नहीं बनाएगी थिंकिंग एंड सेफ एंड सिक्योर इन और याद रखिए सोचना या बोलना किसी एक को प्रभु यीशु में सुरक्षित नहीं रखेगा He may be हो सकता है उसने बपतिस्मा लिया हो एंड मे बिलोंग टू church. हो सकता है कलीसिया का सदस्य हो बट not एंड चर्च person पर्सन सेफ एंड सिक्योर इन either. याद रखिए एक कलीसिया का सदस्य बनना या पानी का बपतिस्मा लेना भी आपको प्रभु यीशु

इन क्राइस्ट लेकिन याद रखिए प्रभु भोज में सहभागिता करना भी प्रभु यीशु मसीह में आपको सुरक्षित या बचाएगी नहीं In fact, according to the teaching of Apostle Paul, लेकिन दूसरे हाथ पर पॉलिस प्रेरित की शिक्षा अनुसार टेकिंग कम्यूनियनल यू आर हंड्रेड परसेंट certain that you are in Christ, दूसरे हाथ पर पॉलिस प्रेरित की शिक्षा अनुसार अगर आप प्रभु मेज में सहभागिता करते हैं इस बात को बिना सुनिश्चित किए हुए कि आपका जीवन सही है तब आपके लिए प्रभु में भाग लेना खतरनाक है और इसीलिए पॉल स्पिरिट कहता है यू एग्जामिन योरसेल्फ आप खुद को जांचें और परखें। चेक योरसेल्फ बिफोर यू टेक इस आप खुद को जांचे और परखे इससे पहले कि आप प्रभु मैच का भाग यू आर रियली वर्दी टू बी आप this. सच में क्या सौभाग्य रखते हैं या योग्य हैं कि इस मेज़ का भाग बने And if you are not very sure, और अगर आप इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं है, don't take it. बनी है। very sick. ऐसे सहभागिता करना या प्रभु मेज में भाग लेना खतरनाक है और कई सारे लोग बीमार पड़ गए हैं और कई सारे सो गए हैं एक्सपीरियंस हो सकता है की व्यक्ति एक बहुत अलौकिक व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस करे एंड मे बी वेरी गिफ्टेड एंड एक्टिव इन द चर्च और हो सकता है, है कलिसिया में बहुत योग्य और बहुत कार्यशील और हर प्रकार से तोड़ो से भरा हुआ हो And, but these will not make a person secure in Christ Jesus लेकिन याद रखिए ये बातें भी किसी एक को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित नहीं करेंगी now consider the Corinthian church और इसलिए आप कुरंत की कलीसिया के विषय में सोचिए all of the above things और ये सारी बातें जो ऊपर हैं were true of them ये इनके विषय में सच थी apostle paul himself said पौलुस प्रेरित ने खुद इस बात को कहा you do not lack any of the gifts of the Holy Spirit. कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा के सारे वरदान मौजूद हैं. But that would not make a person secure in Christ either. लेकिन ये बातें भी किसी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित नहीं करेंगी. Now consider that is why we need to consider the Corinthian church. और इसी कारण वर्ष हमें कुरिंथ की कलीसिया को देखना है. And they felt very secure and safe. और वे प्रभु यीशु मसीह में बड़े सुरक्षित और बड़े खुद को समझे बट टू और यही कारण था कि पॉल उसको ये चिट्ठी ये पत्र उन्हें लिखनी पड़ी पॉल सो नीड। पॉल उसने उनकी जरूरत को देखा दीड टू बी व और उसने देखा कि कि जरूरी है कि उन्हें चेतावनी दी जाए Lest they were और वरना उनका तो नर्ग में वो जाएंगे And Paul was very much और बात को लेकर बड़ी चिंता रखे हुए था दिस क्लियर 9 verses 24 to बात सेवन और इस बात को हम बड़ी स्पष्ट रीति से देख सकते हैं पहला नवा उसके वचन में। प्रीवियस चैप्टर और कृपया करके इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप इस वचन को जरूर पढ़ें। पढ़े आइए इस वचन की ओर हम चैप्टर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन डू यू नॉट नो That in the race all the runners run, but only one receives the prize. So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishing, a perishable wreath. But we are imperishable. So I do not run aimlessly.

हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं जो मुरझाने का नहीं इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य ही नहीं मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू देवर इन रेस और वे एक दौड़ में थे The crown of life was not given to them in a platter. और याद रखिए जीवन का मुकुट एक प्लेट पर सजाकर उन्हें नहीं दिया गया था. They needed to win the crown. और उन्हें जरूरी था या जरूरत था कि वो इस मुकुट को जीते मस्ट रन टू विन द रेस और एक व्यक्ति को दौड़ना है कि वो उस दौड़ को जीते हाउ शुड अ पर्सन रन और कैसे एक व्यक्ति को दौड़ना है सिंपली बिकॉज यू द एक्शन ऑफ रनिंग Will not make you a winner. याद रखिए क्योंकि सिर्फ अगर आप वो कार्य दिखाते हैं करना कि मैं दौड़ना चाहता हूँ ये आपको जीतने में सहायता नहीं करेगा लेकिन दौड़ना है अनुशासन में और आत्म आ, आत्म को या खुद का तिरस्कार ट्रेनिंग टू कंट्रोल हिज लाइफ और इसलिए अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हुए और ये देखिए इन अनुशासनों के विषय में खास रीति से इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट यू रिमेम्बर इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम अगर आपको याद हो उस ओलंपिक के खेल में भाग लेने के लिए पर्सन हैज है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्रेन हिमसेल्फ विद ग्रेट डिसिप्लिन ड्यूरिंग द the past last game and the present one aur paulus ke samay mein ek dhavak ko इस बात को साबित करना पड़ता था कि पिछले खेल से लेकर अभी तक के वर्तमान के खेल तक उन्होंने अभ्यास किया है प्रशिक्षण किया है एंड चैप्टर टेन एन फोर्स द पॉइंट बाई यूसिंग द नेशन ऑफ इसराइल एज द प्राइम एग्जाम्पल और जो दसवा अध्याय है इस बात पर और ज्यादा मजबूती से रोशनी डालता है या इस और ज्यादा रीति से दबाव बनाता है इज़राइल के घराने या उस राष्ट्र को लेते हुए uh, और यहोवा परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उन पर हुआ And in every way और हर एक तरीके से जो वे सोच सकते थे And if any एंड सिक्योर अगर यदि ऐसे कोई भी लोग थे जिन्होंने कभी भी सुरक्षित और बचा हुआ खुद को वॉज किया तो वो इसराइल का राष्ट्र था और अगर आप इतिहास को देखे और जाने की कैसे इसराइल की स्थापना हुई और कैसे वो आए इट वॉज ऑल गॉड्स ओन एक्शन ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का खुद का अपना कार्य है ही चोस इब्राहम और उसने इब्राहिम को चुना ही कॉल्ड आउट इब्राहम और उसने इब्राहिम को बुलाया

अनगिनत लोगों के समान हो। और गॉड ओह हैड अ वेरी स्पेसिफिक प्लान एंड पर्पस फॉर इब्राहिम्स कॉलिंग। परमेश्वर के पास इब्राहिम की बुलाहट के लिए एक सिद्ध उद्देश्य, एक खास उद्देश्य था। He renewed the covenant with Isaac। और उसने इसाक के संग वाचा को फिर से नया किया। And then to Jacob। और फिर याकूब के साथ। And thus God's own action caused एक्सिस्टेंस ऑफ इसरा टूडे और परमेश्वर के खुद अपने कार्यों के द्वारा आज के दिन हम इसराइल के राष्ट्र को देखते हैं परमेश्वर बड़ा गर्व करता था कि ये राष्ट्र उसका है and so, दे हैव ऑल द रीजन टू फील सेफ एंड सिक्योर और इसलिए उनके पास सारे कारण थे कि वो सुरक्षित और बचा हुआ महसूस करे येट द पीपुल विल्डरनेस लेकिन फिर भी लोग उस जंगल में उनका नाश हो गया वेर वेर दे इन दिल्डन और कहाँ थे वो उस जंगल उस वीराने में Outside the द land लैंड और उस वाचा के देश के बाहर वो के देश तक पहुँच भी नहीं पाए With all the they had। और वो सारे वादे जो उनके पास मौजूद जो परमेश्वर का उनके ऊपर था And he them from the land of Egypt। और परमेश्वर ने इन्हें परमेश्वर ने इन लोगों को उनके हाथों से और परमेश्वर इन्हें आगे ले गया एंड ही लेट द मिराकुलसली और परमेश्वर ने बड़ी एक चमत्कार रूप से इन्हें बाहर ले In गया इन द लेनेस और एक जंगल में द एक्सपीरियंस मिराकुल आफ्टर मिराकुल उन्होंने चमत्कार और, और चिन्हों को बार बार देखा एंड येट लेकिन फिर भी बिफोर दे कुड रीच द प्रॉमिस लैंड इससे पहले कि वो वाचा के उस देश में पहुंचे दैट जनरेशन ऑल पेरिश्ड वो पूरी पीढ़ी का विनाश या नाश हो गया

सुरक्षित और बचा हुआ महसूस करना उसकी तुलना इज़राइल के राष्ट्र के साथ करते हुए दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर इन चैप्टर 10 और इसी बातों के विषय में हम अध्ययन करेंगे पहला कुरंथी उसके 10वें अध्याय सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द फर्स्ट पैराग्राफ इन द चैप्टर और आइए इसी जो इसी 10वें अध्याय में जो पहला भाग है उसको हम देखें टुडे वी विल जस्ट रीड दिस चैप्टर और आज के दिन हम सिर्फ इस अध्याय को पढ़ेंगे एंड उटलाइन ऑफ दिस से हम जो बातों का अध्ययन करेंगे उनका शीर्षक मैं आपको अगले बुधवार से हम उनका गहन अध्ययन में शुरू करेंगे हम इस दसवे अध्याय को आई रिक्वेस्ट फास्टर महेंद्रीड चैप्टर टेन टूटीन और आइए आप मेरे संग अपनी बाइबलों में देखे पहला गुरंथियों अध्याय पहले वचन से लेकर तेरहवें वचन तक हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सद बाप दादा बदला बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी वह और वह चट्टान मसीह था परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजा मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम वे विचार करें और जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में तेईस हजार मर गए और ना हम प्रभु को परखें जैसे उनमों से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाया और नष्ट कराने वाले के द्वारा नष्ट किए गए परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी और दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सकोर कंसीडर दिस फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर और आइए इस अध्याय का ये जो पहला भाग है इसके विषय में हम देखें देयर आर थ्री थिंग्स दैट वी विल कंसीडर और तीन ऐसी बातें हैं जो इस पहले भाग में हम जिनका अध्ययन करेंगे नंबर वन पहली बात एक्साम्पल ऑफ इसरा इसराइल का उदाहरण

बातें या 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 भरोसा या विश्वास को ले में ना जिए दैट वी शैल बी केयरफुल लेकिन हम सावधान बने पर एक्शंस मैच आवर प्रोफेशन होने दे हमारे कार्य हमारी बातों के संग दिखने पाए या उनके संग मिलने पाए एंड थस वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डीसीविंग आवर सेल्फ और इसके द्वारा हम खुद को बचाएंगे कि हम किसी दूसरे को धोखा ना देने पाए सो आई विल एनकरेज यू

in 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 reading ताकि हम उतने समय को बचाने पाए जो वचन को पढ़ने में लगता है God bless you, my brothers. मेरे भाई और बहनों परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God is a is a loving God. परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। When He है। promises

That is awaiting us. और इसके द्वारा उस मुकुट को ना खो दे जो हमारा इंतजार कर रहा है आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो एंड प्रिपेर टू अंडरस्टैंड खुद को तैयार करके आए अगले हफ्ते इन चेतावनियों को समझने के लिए एंड देर वी नो एक्सक्यूज फॉर एनी वन वाई ही और शी फेल

जो नुकसान है उससे बच सकते हैं अपनी मसीहत को हम गंभीरता से टेक अवर क्रिस्टियन सीरियस अपने मसीही विश्वास को बड़ी गंभीरता से और हम अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन कार्य करें भय और कांपते हुए बिकॉज इट इज नॉट गुड इट इज नॉट टू आवर एडवांटेज लाइटली टेक दी टीचिंग्स एंड इग्नोर देम

and prepared to meet the lord हर एक तैयार रहेगा आपसे मुलाकात करने के लिए इन जीसस नेम यीशु के नाम आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दे आई हैव अ ग्रेट नाइट टुनाइट और आज की रात भी आपकी अच्छी बीते एंड एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सुरक्षा का आप आनंद उठाएं आमीन आमीन